हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। हम कर रहे हैं 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। 3 के बाद अब चौथा जो पार्ट है, चौथा जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। वो क्या है? दिस वन। इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये थोड़ा अलग हो जाता है पहले वाले टाइप से। पहले वाले टाइप में आपने देखा था कि सिर्फ वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल है, फिर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है उसके साथ में, और इक्वल के बाद भी ऐसे ही कोई कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इस बार हमारे पास फ्रैक्शन आया हुआ है चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर डिग्री 1 हो। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और 1 वेरिएबल यानी कि वेरिएबल सिर्फ एक है, एक्स। ऐसा नहीं है कि वाई भी आ गया, जेड भी आ गया एक ही इक्वेशन के अंदर। अगर एक इक्वेशन है तो उसमें या तो सिर्फ जेड होगा या फिर सिर्फ एक्स होगा या वाई होगा, एक ही वेरिएबल होगा मतलब। तो ये चैप्टर उस टाइप का है। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम आसान बनाने के लिए डेनोमिनेटर सबके बराबर कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। 7 इसके डेनोमिनेटर में 1 है, तो सबका डेनोमिनेटर में हम 7 बना लेंगे, क्योंकि 7 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, ठीक है। तो 3/7 प्लस x/1, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 7 डेनोमिनेटर में है ही, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 3/7 प्लस 7x/7 इक्वल टू 17/7। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/7 7x/7 17/7। इधर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम सेम चीज़ से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, सेम चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से हम ऊपर और नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, जैसे हमने यहाँ पर किया। ऊपर और नीचे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काट देंगे तो हमें वापसी वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट लिख करने के बाद अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर को बहुत ज़्यादा नोटबुक या फिर एग्ज़ाम टाइम पे टेस्ट भी चेक करने होते हैं और भी उनको काम करना होता है, तो उनके पास टाइम की कमी होती है। तो इसे ऐसा कीजिए कि भाई उनको चेक करते हुए मज़ा भी आए और उनको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, तो वो इरीटेट नहीं होंगे, आपको मार्क्स दे देंगे। नहीं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब हमारी ये इक्वेशन है 3 प्लस 7x इक्वल टू 17 बन गई, नियर अबाउट ऊपर वाली की जैसी, जैसी ये वाली थी। बस इसमें इसका एक कोफिशियंट और आ गया 7। पहले वाले क्वेश्चनों में x के साथ कुछ भी नहीं था, यानी कि 1 कोफिशियंट था वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो 7x इक्वल टू, पहले 3 जाएगा, कई बार बच्चे 7 को ही डायरेक्टली ले जाते हैं, गलत है, पहले आप 3 को लेके जाइए। 17 माइनस 3, ये बना 14, फिर x इज इक्वल टू होगा 14, 7 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 7 से काटेंगे, अब इसको 7 1 जार 7 2 जार, तो x की वैल्यू क्या आई, 2। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट कर लिया। अब
फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा इस टाइप का आ गया, मतलब 7x = 14। इस टाइप से, मतलब इससे थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया। 6x = 12। तो क्या होगा, जो ये 6 मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो क्या होगा अब इसमें, x = 12, 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 जार 6 2 जार। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आंसर। ओके, सिक्स क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है, वो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं सेपरेट पोर्शन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में है t/5 = 10। 5 यहाँ डिवाइड में है t के, तो ये जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो t = हुआ 10 × 5, दैट इज 50। तो t की वैल्यू, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, और फटाफट दीजिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। और आप कर रहे थे 8th क्लास के लिए एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। चैप्टर का नाम हमेशा अच्छे से आना चाहिए आपको, और आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, तो ये बहुत फ़ायदा करती हैं आपके लिए। लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।